हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ काजल के बारे में। और ये जो काजल है, ये तीन ब्रांड्स के मैंने काजल लिए हुए हैं। ये है लैक्मे ब्रांड से, और लैक्मे का आइकॉनिक काजल है ये। ये है L18 का काजल और ये है ब्लू हेवन का काजल। तो जो लैक्मे का काजल है ना गाइस, ये काजल जो है ये आपको 200 रुपीज़ के आसपास का मिलता है। ब्लू हेवन का जो काजल है ये आपको 80-90 रुपीज़ के आसपास का मिलता है। एंड L18 का जो काजल है ना, ये आपको MRP इसका 100 है, बट ये आपको ऑनलाइन अगर आप लेने जाओगे तो 90 रुपीज़ के आसपास का मिल जाएगा। तो ब्लू हेवन और L18 के जो काजल का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। जो लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। ये 200 रुपये के आसपास का इसका जो रेट आता है, उतने मिलता है हमको ये। तो दोस्तों, फ़र्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो लैक्मे आइकॉनिक का काजल है ये वाला, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है। ये एक्चुअली ना, ये निकल जाता है। ये 3-4 घंटे बाद ना आपको दोबारा से रीअप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है इसको, जब आप लगाते हो। कलर नो डाउट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, जेट ब्लैक है, बट आप जब इसको यूज़ करोगे ना, ये 3 से 4 घंटे के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है। और वाटरप्रूफ भी मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि मेरे आईज़ जो है थोड़ा सेंसिटिव हैं। तो ये लगाते टाइम तो ठीक लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये फेड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रीअप्लीकेशन करनी पड़ती है इस काजल की। तो ये मैं इसको थोड़ा सा अभी थर्ड नंबर में रखूँगी, लैक्मे का आइकॉनिक काजल। और अगर हम ब्लू हेवन के काजल की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक अपर रेंज का काजल लिया है, और बाकी जो काजल लिए हैं मैंने नॉर्मल रेगुलर रेंज के काजल लिए हैं। तो लैक्मे का नंबर 3 पे रैंक पे मैं डालूँगी। दूसरा मैं उठाती हूँ ब्लू हेवन का काजल, और ये काजल प्राइस वाइज ठीक है, एप्लीकेशन भी ठीक है, बट मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये उतना जट ब्लैक काजल मुझे नहीं लगा। प्राइस वाइज इट इज़ ओके, बट रेट के हिसाब से ठीक है, बट इसकी जो एक क्वालिटी बोलते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में आई है। नो डाउट ब्लू हेवन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में आपको मिल जाएंगे, बट उसकी जो एक होता है ना कि मज़ा आ जाए लगाने के बाद, वो चीज़ मुझे इसमें नहीं समझ में आई। तो इसको मैंने नंबर 2 में रखा है, और ये भी फेड हो जाता है कुछ टाइम के बाद। प्राइस वाइज ठीक है एज़ कम्पेयर टू लैक्मे आइकॉनिक, बट क्वालिटी इन दोनों की मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड करती हूँ। और ये जो L18 का काजल है, दिस इज़ अ वन ऑफ माय बेस्ट काजल जिसको मैं बोलती हूँ। ये ना बहुत अच्छा काजल है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जेट ब्लैक है। इसको आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। कई बार होता है ना कि अगर हम काजल से लाइनर लगाते हैं तो वो फेड मतलब मर्ज नहीं होता और फैल जाता है पूरा, अच्छे से आपकी आंखों में लगता नहीं है। बट ये L18 का जो काजल है ना, इसको आप एज अ काजल एज अ लाइनर भी लगा सकते हो, और ये वाटरप्रूफ काजल है। जब तक आप इसको प्रॉपर मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करोगे ना, ये काजल आपका नहीं निकलता। इसको दोबारा से रीअप्लीकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत सस्ते रेट में आपको मिल रहा है, 90 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, काफ़ी चल भी जाता है, और इसका जो क्वालिटी है ना, दिस इज़ अमेजिंग। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कितना भी ये आप इसको रिमूव करोगे नहीं निकलेगा, जब तक आप इसको मेकअप रिमूवर से नहीं रिमूव करते। हिंदुस्तान मार्केटेड बाय हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का है ये प्रोडक्ट, और मेड इन इंडिया भी है। बोल्ड ब्लैक वाटरप्रूफ आई ड्रामा काजल L18 का। तो मैं इसको इन दोनों काजलों से, और मैंने मैबलिन का जो येलो वाला, जिसकी येलो स्टिक है ना, वो भी मैंने कोलोसल वाला काजल वो भी यूज़ किया हुआ है, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। बट आप एक बार ना, अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं, खासकर उन लोगों के लिए, L18 का 100 रुपीज़ का बहुत इकोनॉमिकल रेट में मिलने वाला काजल एक बार यूज़ कर लोगे ना, बाकी सारे काजल भूल जाओगे। एज अ काजल एज अ आईलाइनर आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। और अगर आपको पसंद आया है मेरा ये वीडियो और रिव्यू, तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए बिल्कुल ब्लैक, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक। इसको आप कितना भी आप इसको रिमूव करोगे ना, ये रिमूव नहीं होता है। तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।